देखो ना सफीर, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं अपनी फेवरेट लिपस्टिक लाना भूल गई। आई हैव टू मेक डू विद दिस। तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है? मेकअप तो वो करती हैं जिनको किसी को इम्प्रेस करना हो। और तुम शायद भूल रही हो दैट यू आर ऑलरेडी माइन। और अगर मेरी जगह किसी और ने ले ली तो, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर मजबूर हो गए तो? अब कोई मजबूरी मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकती। तुम्हारी अम्मा भी नहीं? देखा कैसे चुप हो गए? डोंट वरी, वो भी नहीं। प्रॉमिस। कौन कबाब में हड्डी? ओ देखती हूँ। निम्रा की कॉल है। हाय बेस्टी। कैसी हो मेरी दुल्हन? कैसा चल रहा है? निम्रा, थैंक यू सो मच। आप तुम अगर ना होती ना तो भी हम दोनों साथ में ना होते। जी बिल्कुल, तुम दोनों को मेरा शुक्रगुजार होना भी चाहिए। मैं ना होती ना अगर, तो तुम्हारी अम्मी तुम दोनों के सामने बंदूक रख के घर लेकर जाती। अम्मा घर आई थी? घर आई थी मेरे तुम्हारे भाई के साथ। बहुत हंगामा किया इन्होंने यार। फिर क्या, मैं भी निम्रा सहगल हूँ। बता कर भी नहीं बताया तुम्हारा पता उन्हें। बहुत दुख हुआ होगा। अब उदास थी अब। और हुनैद भाई? कुछ नहीं होगा यार, तुम टेंशन ना लो। मैंने वैसे भी पता करवाया वो लोग इस्लामाबाद में हैं। तब तक तुम दोनों मेरे बहरिया वाले अपार्टमेंट में चले जाओ। मैंने वहां सारी अरेंजमेंट्स करवा दी और मैं ड्राइवर को भी भेज दूंगी, तुम लोगों को पिक कर लेगा ना वो। थैंक यू सो मच निम्रा, अगर तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। थैंक यू सो सो मच। एनीथिंग फॉर माय फ्रेंड्स। अब जाओ वहां पर, आराम से रहो एंड एंजॉय योरसेल्फ। बाकी मैं तुम्हें अपडेट देती रहूंगी। थैंक यू सो मच निम्रा। ओके बाय बाय। सफीर परेशान मत हो, देखो ये सब होना था ना एक दिन, तो हो जाने दो। अच्छा चलो लेट्स गो फॉर अ वॉक ताकि तुम्हारा हेड क्लियर हो। सफीर तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं देख सकता। मरी से पैरियटाओ का रास्ता कितना है? अम्मा और हुनैद भाई ने देख लिया तो? वो वापस कराची चले गए हैं, वो नहीं देख सकते, तुम्हें नहीं ढूंढेंगे यहाँ पे। तुम्हें कैसे पता? निम्रा ने बताया मुझे, इसलिए प्लीज रिलैक्स। और अगर इसी तरह तुम डरते रहो वो सामने आ गए तो सचमुच तुम मुझे उनके सामने छोड़ के चले जाओगे। फिलहाल तो काफी अरसे के लिए उनके सामने नहीं होगा, वो अभी वापस तो चले गए हैं। मगर अम्मा को चैन नहीं आएगा जब तक वो मेरा पता ना लगा ले। और तुम तो हुनैद भाई को नहीं जानती, का गुस्सा इतना है कि मुझे देखते ही मार डालेंगे। अगर इतना डर था ना तो शादी नहीं करनी थी। अब क्या डर? फिर हमेशा अपना ऐसा मूड नहीं रख सकते? जो होगा वहां कर। भाईजान आगे कोई एटीएम आया ना उस पर रोक देना।
क्या हुआ? अम्मा ने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए। उनसे ये उम्मीद रखी जा सकती है क्या? मैं ठीक कह रही हूँ? ऑब्वियसली वो हर वो तरीका आजमाएंगे जो तुम्हें घर लाने पे मजबूर कर दे। नो? अब क्या करेंगे, मेरा सारा कैश भी खत्म हो गया। मेरे पास अकाउंट में कुछ पैसे हैं, वो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं ऑलरेडी इतना ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ, निम्रा से इतने फेवर्स लेके उसके अपार्टमेंट में रह के। मैंने आज तक जिंदगी में किसी का इतना एहसान नहीं लिया और ना ही मैं डिपेंडेंट रहा हूँ किसी पे इतना। डिपेंडेंट तुम अपनी अम्मा पे हमेशा से ही थे, तुमने कभी क्या ही किया है? वो मेरी अम्मा है माँ, जाहिर ही बात है। और देखो तुमने जो चाहा ना तुम्हें मिल गया, अब अगर तुम अम्मा के बारे में ऐसी बातें ना करो तो मुझे बहुत खुशी हो। अच्छा ठीक है, बात की बात बाद में, लेकिन फिलहाल तुम ये परेशानी छोड़ दो, निम्रा बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है, तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके?